हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तरतोली में सुरक्षा लवाजमे की मौजूदगी में जेसीबी से ध्वस्त किया कब्जा। विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति में बाधक बने निर्माण को किया ध्वस्त। करीब ढाई घंटे तक चली कार्यवाही। पुलिस लाइन सदर शहर व रीको का जाब्ता रहा तैनात। कार्रवाई के दौरान कब्जा धारक ने किया विरोध। तरतोली गांव में सुरक्षा लवाजमे व हथियारबंद सुरक्षा के बीच विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति में बाधक बने निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। हालांकि कब्जा धारक की ओर से विरोध व्यक्त किया गया, बिना नोटिस के की जा रही कार्रवाई को गलत करार दिया। कब्जा धारक की ओर से विरोध भी जताया गया, लेकिन सुरक्षा लवाजमे व अधिकारियों के समक्ष उनकी एक नहीं चली। नतीजतन जेसीबी से दीवार व शौचालय को ध्वस्त किया गया। विशेष रेल परियोजना पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर के लिए तहसील के गांव तरतोली के खसरा नंबर 96 व 119 की भूमि अवध की गई। उक्त भूमि पर रूप सिंह पुत्र भोपाल सिंह व ईश्वर सिंह पुत्र भोपाल सिंह द्वारा अवापत की गई। भूमि पर एसडीएम द्वारा 2 जुलाई 2015 की पालना में 16 जुलाई 2015 का भूमि को खाली करने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसमें रूप सिंह द्वारा भूमि से 8 दिन तक कब्जा सुपुत्र नहीं किया गया, जिससे वर्तमान में डीएससीसी ट्रक एनटीसी द्वारा राष्ट्र महत्व की परियोजना का निर्माण बाधित हो रहा है। निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। इसके लिए तरतोली के खसरा नंबर 96 पर 119 में अवाप्त विशेष रेल परियोजना पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर को सुपुत्र करने के लिए भूमि अवाप्ति की कार्रवाई की गई, जिसके चलते प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके चलते सिरोही पुलिस लाइन में जाप्ता आबू रोड पहुंचा। हथियार बंद पुलिस कर्मी सदर थाना, सिटी थाने व रिको थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। तहसीलदार राम स्वरूप जौहर की अगुवाई में ट्रक के पास बने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन कब्जा धारक की ओर से जमकर रोष का इजहार किया गया। पूर्व नोटिस की कार्रवाई करने को गलत करार दिया, साथ ही मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कही। इस बात को लेकर काफी देर तक विवाद चलता रहा, लेकिन अधिकारियों के समक्ष विरोध के स्वर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सके। हालांकि मौके पर मौजूद तेज सिंह देवड़ा आदि ने समझाइश की। जेसीबी को मौके पर बुलाया गया। जेसीबी की मदद से ट्रक के पास बनी बाउंड्री वॉल की एक दीवार को ध्वस्त किया गया, वहीं पास में ही बने शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया। करीब ढाई घंटे तक कार्रवाई जारी रही। इस दौरान डीएफसीसी के प्रबंधक प्रबीर मंडल, तहसीलदार राम स्वरूप जौहर, सदर थाना अधिकारी आनंद कुमार, पटवारी भावना मोदी, सुखराज, नायब तहसीलदार विकास मीना समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। तहसीलदार की ओर से कब्जा हटाने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग की गई, जिसके चलते एसपी पूजा अवाना की ओर से 5 महिला पुलिसकर्मियों समेत 15 पुलिसकर्मी भेजे गए। साथ ही हथियारबंद सुरक्षाकर्मी सदर थाना, सिटी थाना, शहर थाना, रिको थाना के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राम स्वरूप जौहर, तहसीलदार आबू रोड, इन्होंने ये कहा। रेलवे द्वारा अवाप्त शुदा राजस्थान सरकार की खसरा नंबर 96 जो भूमि है, उसमें निर्मित दीवार व बाथरूम श्री रूप सिंह के बने हुए थे, जो काफ़ी टाइम से लंबित है। उसके संबंध में इन्होंने जो है हमारे कलेक्टर साहब को भी प्रतिवेदन किया था। उनके निर्देश में आज जो भी संरचनाएं 96 में बनी थी उन्हें ध्वस्त किया गया और उसका कब्जा है वो डीएफसी के प्रतिनिधि श्री प्रवीर मंडल को सुपुर्द किया गया। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।